और सुना सब बढ़िया? नहीं सब बढ़िया, तुम्हारा बहुत बढ़िया, पता बढ़िया किसका? नहीं वाह वाह। ओके पता क्या हुआ, कल मैंने वीडियो बनाई है, फिर मैं वीडियो बनाता हूँ मूव ऑन, क्योंकि मुझे पता था कल गाली पड़ेगी मुझे। और मेरे को सुबह टैग आने शुरू हुए, पहला टैग मेरे को व्हाट्सएप आया, पहला तो स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप आया। मैं कहा ठीक है वीडियो हट गई होगी क्योंकि वही चाहिए था अपने को। बट उसके बाद वो टैग मैं ऑनलाइन गया और देखा हर जगह पे मुझे टैग किया गया और ये टैग खत्म नहीं हो रहा। और फाइनल मैं देख लेता हूँ यार क्या है, पोस्ट ही तो है, बार बार क्यों टैग कर रहे हो लोग मुझे। पता चला भाऊ का अकाउंट ही गायब हो गया, इंस्टाग्राम अकाउंट ही गायब हो गया। ओके जस्ट इन केस तुम्हें नहीं मालूम होगा तो कल की वीडियो देख लो। बेसिकली भाव ने एक वीडियो बनाई थी क्योंकि कुछ बाहर की कंट्री में हुआ था, जिसपे उन्होंने ओपनली थ्रेट दिया था कि जो भी तुम्हारे रिलीजन के बारे में बोले तो उस पर वॉयलेंस करो। जिसको जिसका थोड़ा सा पोर्शन कुणाल कामरा ने शेयर किया होम मिनिस्ट्री को महाराष्ट्र के, और कोई एक्शन नहीं होता उस पर। बट जैसे जैसे ये मैटर बढ़ा, मास रिपोर्टिंग की गई भाऊ के अकाउंट को और वो अकाउंट डिलीट हो गया है अभी तक। बट इस बीच में कल रात को जब मैंने वीडियो डाली उसके बाद भाऊ ने वो पोस्ट डिलीट कर दी थी, क्योंकि जो भी उन्होंने गलत लैंग्वेज के साथ बोला, बट पॉइंट इज वो पोस्ट जो थ्रेट पास कर रही थी वो डिलीट हो चुकी थी। और मेरे लिए काफ़ी था वो चीज़, जो मुझे आज पता चला एक्चुअली। बट इतना ही होता है क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए, भाऊ की भाषा कैसी भी हो, सोचने का तरीका कैसे भी हो, आई स्टिल लव भाऊ। और मुझे लगता है अकाउंट रिमूव नहीं होना चाहिए था, वो पोस्ट डिलीट होती। सो अगर वो इंस्टाग्राम से कनेक्ट कर पाते हैं तो उनका अकाउंट शायद वापस आ जाए। बट इंस्टाग्राम से बात करना भी मुश्किल है। सो अगर तुम्हें लग रहा है मैं खुश हूँ ना, मैं शॉक्ड था, मैं सरप्राइज था, क्योंकि अगर तुम्हें ये चीज़ सही लगती है ना तो मतलब तुम वही हो कि तुम दूसरे के ओपिनियन के खिलाफ जा रहे हो। मैं हेट और वायलेंस को सपोर्ट नहीं कर सकता, इसलिए मैं दो बार उनके अगेंस्ट गया हूँ। बाकी तुम कोई सा भी देख लो डिफरेंट टॉपिक पे, जिस वे से भी उन्होंने बोला मैं सपोर्ट किया, और मैं आज भी उन्हें सपोर्ट कर रहा हूँ कि अकाउंट नहीं जाना चाहिए। सबके पास हक होना चाहिए कि वो एक्सप्रेस कर सके जो वो सोचते हैं या जिसमें वो बिलीव करते हैं। बट किसी को हेट नहीं पहुंचानी चाहिए, किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए। तो उस वे से मेरे को गलत लगे थे, बाकी और क्या बोलूँ यार, मैं एक्चुअली सरप्राइज हूँ, शॉक्ड हूँ। बट देखते आगे क्या होता है। बट अगर तो मैं कहीं से भी लगा मेरा ये चीज़ सुन के मुझे खुशी होगी, नहीं मैं खुश नहीं हूँ। बस इतना ही कहना है, ज़्यादा कुछ नहीं कहना। ए हिपोक्रेट है तू, हाँ हूँ, ए दोगला है तू, हाँ वो भी हूँ, आगे पेंचोद, इतने दिन से क्या सिखाया मैंने। सबके पास अपने ओपिनियन रखने के हक होना चाहिए, और किसी की सोच मेरी सच्चाई नहीं है। तू यही रहेगा, इंस्टा फॉलो कर रहा तू, मेरा कर ले, क्या पता कल होना हो। क्या बात, अमेरिका का दलाल बहनचोद। अबे पहली चीज ना, अगर तुम्हें लगता है किसी वीडियो को डिसलाइक करके या हेट पहुंचा के या रिपोर्ट करके तुम कुछ अचीव कर रहे हो ना, तुम फिर एग्जैक्टली वही हो जिसके लिए तुम भाऊ को ब्लेम कर रहे हो। और क्योंकि अगर वो हेट पहुंचा रहा था तो तुमने भी वही किया। भाऊ का ओपिनियन था, मैंने अपना दे दिया, बस एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट वो अलग चीज़ है, वो हम किसी दिन बैठेंगे चाय पे या दारू पे और उस पर चर्चा कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, मैं अपना पॉइंट दूं, तुम अपना पॉइंट दो, एक हेल्थी डिस्कशन होना चाहिए। बट ऐसे अगर तुम्हें उनकी बातों से प्रॉब्लम है, हेट पहुंचा रहे हैं, स्प्रेड कर रहे हैं उससे, तो तुमने भी वही किया है, बस बिना किसी लीडर के। हाँ मैं दोनों साइड से गाली खाने वाला बंदा हूँ हमेशा, क्योंकि ये चीज़ ही गंदी है, ये ऑनलाइन सिस्टम पूरा गंदा चल रहा है साला। बस असली बात ये है कि रियल लाइफ में इससे भी ज़्यादा गंदगी है। तुम में से बहुत सारे लोग चाहते हैं मैं बात करूं नीट और जी के एग्ज़ाम पे जो फैसले हुए हैं कि एग्ज़ाम होगा सितंबर के महीने में होगा, जो कि मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं, और मैंने सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को के साथ एग्री किया है। मुझे समझ में नहीं आता क्या बोलूं मैं, और एक्स्ट्रा क्या बोलूं, और क्यों मुझे लोग टैग कर रहे हैं उसमें। सो पहले मैं भी सपोर्ट में था, क्योंकि आज मेरे को किसी ने मुझे ध्रुव राठी की वीडियो में टैग किया कि भाई अब तो ये भी बात करो, तू भी कर, अरे मैं कर चुका हूँ। अगर तुम याद करोगे तो मैं स्कूल और कॉलेज खोलने के टाइम पे भी मना कर रहा था, या एग्ज़ाम के टाइम पे भी मना कर रहा था। सो ये भी एग्ज़ाम ही है, मैं मना कर रहा था। बट अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है, मतलब समझ, सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय, अभी उनका आ गया है, उन पे क्वेश्चन करना या उसके खिलाफ बोलना भी गलत होगा मेरे हिसाब से, मेरे मोरल के हिसाब से। और इसलिए अगर उनका जजमेंट आया, मेरे को रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, भले ही मैं उनके साथ एग्री नहीं करता। बट वही है ना, हर एक स्टेटमेंट के साथ कोई एग्री करेगा, कोई डिसएग्री करेगा,
और अगर मैं उन पे डिसएग्रीमेंट दिखाता हूँ तो मुझे लगता है मैं अपने संविधान के खिलाफ जा रहा हूँ। और ठीक है, अगर वो तैयार हैं एग्ज़ाम रखने के लिए और पूरी श्योरिटी देने के लिए कि वो टेक केयर कर सकते हैं, तो मेरे को सपोर्ट करना ही पड़ेगा। मैं क्या बोल सकता हूँ, जज है यार वो हमसे ज़्यादा जानता है, ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है। तो इसलिए मैं बात नहीं कर रहा हूँ और इसके बारे में, और बस पैक करना बंद करो, तो इसलिए टाइटल में भी डालो बेंचर। भाई मोदी के खिलाफ बोलता है, सुप्रीम कोर्ट के लिए नहीं। हम लोग सरकार बनाते ताकि वो हमारे लिए कुछ करे, सुप्रीम कोर्ट हमें जजमेंट देती है इंसाफ के लिए, गवर्नमेंट इंसाफ नहीं देती। 5 साल बाद बदल सकती है, कल वो कोई भी हो सकता है। मैं कंप्लेन कर सकता हूँ कि रोड पे खराब क्यों है, रोड खराब क्यों है, क्राइम एक्टिविटीज क्यों हो रही है इतनी, इन सब पे क्वेश्चन कर सकता हूँ मैं। बट उनको ब्लेम थोड़ी कर रहा हूँ, क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं। वोट दिया यार मैंने, टैक्स भरता हूँ मैं, मेरा फर्ज बनता है पूछने का, भरता हूँ क्या टैक्स में? पाव लगे मुझे, ए मैं बहुत टैक्स भरा हुआ है, झूठ नहीं बोलूंगा मैं, अभी का मैं श्योर नहीं हूँ। मैं कल ही पूछा था मैंने टैक्स के बारे में, भर रहे हैं कि नहीं भर रहे हैं, पैसा क्या फर्क पड़ता है। अब ऐसे ही बता रहा हूँ, पहले मैं बहुत टैक्स के ध्यान रखता था, बट फिर जब से यूट्यूब शुरू किया था ना, तब इनकम तो थी नहीं उस टाइम पे, तो फिर मैं कहा जब कमा ही नहीं रहे तो क्या टैक्स वैक्स, चिल बैठो। मरना है क्या भोसड़ी के, मरना तेरे को डर नहीं लगता? बहुत टाइम लगा मेरे को ऐसी सोच लाने में, वरना मैं भी तुम्हारी तरह वो किसी भी बात पे भावुक होकर इधर उधर करने लगता था। अभी मैं बैठ के आराम से सोच सकता है, क्योंकि टाइम ही टाइम है, टाइम की कमी थोड़ी है। देखो कल सुबह 4:30, 5 कितने बजे तक था बे डिस्कॉर्ड सर्वर पे बैठा रहा। अबे कमीने डिस्कॉर्ड का लिंक तो दे दे भाई साहब, वो सिर्फ मेंबर्स ओनली के लिए है, जो सेकंड चैनल पे मुझे मेंबर्स ओनली भरे पड़े। पैसे वालों को ही देगा। एक बात बता, तूने एक बार 60 रुपए देके मेंबरशिप ले ली, फिर तेरे पास 1 महीने का टाइम है, बट तेरे पास लिंक आ गई, तो ये थोड़ी देर को 1 महीने बाद निकाल दूंगा पकौड़े। मेरे को कम लोग चाहिए जो मेरे से बात करना चाहते हैं। मैं तो बोला ही था अगर मेरा ओपिनियन जाना तो पैसे दे के देखो। अबे देखो तुम्हारे साथ ही पी रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ, अगर तुम में से कोई है ना पीने वाला ज्वाइन कर लो, एक बार कर लो यार। मैं बता रहा हूँ, एक पूरा ग्रुप बनाएंगे डिस्कॉर्ड पे, शराबी ग्रुप, और साथ बैठ के पैग मारेंगे, मजा ही आ जाएगा बे। कोई पॉलिसी का टेंशन नहीं, कुछ नहीं, मूवी देखनी मूवी देखेंगे, गाना सुनना गाना सुनेंगे, क्या दिक्कत है, मजा नहीं लाइफ। और बाकी लोग जो नहीं पीते बनना भी मत, बहुत गंदी चीज़ है। तौबा 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 तौबा, अगर मैं बता रहा हूँ, मेरे को अपने पास्ट में जाके कोई एरर सही करना ना, तो दो ही चीज़ सही करूँगा। और तो मैं पता दोनों क्या है, दारू पियेंगे रामी, अब साले भाई 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 भाई। मेरी तरह मत बनो, बनना है तो धोनी की तरह बनो। इतना कुछ अचीव किया, इतना कुछ अचीव किया कि हमारे जो मोदी जी हैं प्राइम मिनिस्टर, पता था तुम्हें मोदी जी प्राइम मिनिस्टर है हमारे, उन्होंने लेटर लिखा धोनी को और उनके अचीवमेंट पे, उनके काम नेचर पे धोनी के बहुत तारीफ करी और गुड विशेस दी फ्यूचर के लिए। और एक्चुअली मैं भी मानता हूँ धोनी एक्चुअली हम सबके लिए इंस्पिरेशन है, अपने यूथ के लिए इंस्पिरेशन है, कि हम बहुत जल्दी भावुक हो जाते हैं चीज़ों को लेके कि कैसे होगा क्या होगा। और ये जो काम नेचर है ना उसका, वो थ्रू आउट द ईयर्स हमने देखा है, जवानी से अभी भी जवानी है वैसे, थ्रू आउट द ईयर्स देखा है, और एक रियल इंस्पिरेशन है कि कितनी भी मुश्किल सिचुएशन आ जाए, स्टे काम, स्टे काम, स्टे पॉजिटिव, स्टे हंग्री, स्टे फुलिश ऑलवेज। कौन बोला? स्टीव जॉब्स बोला, मैं नहीं बोला। तो जर्मन में गंदी है, मुझे ऐसी बंदी चाहिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बंदी। जर्मन में एक बंदी थी जो विन डीजल की बहुत बड़ी फैन थी और मिली हुई भी थी, क्योंकि वो स्टार के लोगों के साथ काम भी करती है और इंस्टाग्राम पे फॉलो भी करती थी। फिर उसे एक अननोन बंदे की तरफ से मैसेज आया, उसने बोला कि मैं विन डीजल हूँ, कौन मैं कौन मैं, और कन्विंस भी कर दिया कि मैं ऑफिशियल से नहीं कर सकता ना, इसलिए यहाँ से आया हूँ, दूसरे अकाउंट से आया हूँ, यहाँ पे ज्यादा लोग नहीं है ये वो, और ये मान भी गई। और बात करते करते रिलेशनशिप में भी चली गई, और उस बंदे की रिक्वेस्ट पे 4.8 लाख रुपए उसने ट्रांसफर भी कर दिया उसे। और ये सब होने के बाद बंदे ने अपना बताया कि मैं 23 साल का मेडिकल स्टूडेंट हूँ और ऐसे लोगों को चूतिया बना के अपना पढ़ाई कर रहा हूँ। वाह, मैं पक्का बोल रहा हूँ साला इंडियन ही होगा। एक क्योंकि एक काजल अग्रवाल का केस आया था जहाँ पे कुछ पैसे ले लिए थे, फिर अरमान मलिक के फेक अकाउंट से भी हुआ था। भाई साहब ये इंडियन ही है, मैं बोल रहा हूँ, पता नहीं कौन है अभी तो पता नहीं चला, बट भाई साहब बंदी हो तो ऐसी हो ना ना हो। मतलब सोच रहे हो फेक बंदे को 5.5 मतलब ऑलमोस्ट 5 लाख दे रही है, मुझे 2.5 तो दे ही देगी। कौन बोला? अबे घर बनाना यार, पैसे चाहिए। Why are we still here? हाँ मैं जो मैं कर जाता हूँ, बट दिमाग में यही सब चलता रहता है मेरे। अगले जन्म मोहे बिटिया कीजो, बट ऐसी बिटिया मत कीजो बिल्कुल भी नहीं। बाकी अभी के लिए तो गोफिया, आई होप तुम लोग एंजॉय किया हो। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, मैं बोलता हूँ तुमसे कल, मैं लाइव स्ट्रीम बोलने वाला हूँ, बट पता क्या होता है मैं बोल के चला तो जाता हूँ
बट फिर बाद में ना मेरा मन नहीं करता आने का, मतलब एडिट कर, अभी जैसे मैं एनर्जी में हूँ अभी जाऊँ लाइव तो मजा आएगा, बट फिर मैं जब एडिटिंग करता हूँ ना फिर मैं लो हो जाता हूँ और फिर वो वापस हाई एनर्जी लाने में ना मुश्किल होती है, और वो आती है रात के 3 बजे जब मैं एक्चुअली हाई होता हूँ और फिर 3 बजे क्या करूँ मैं, अच्छा नहीं लगता ना पब्लिकली। करेंगे करेंगे, मैं बोल रहा हूँ आज नहीं तो कल में करेंगे, दिन में ही कर देंगे, वरना रात में भैंचोद 1000 सवाल के 1000 जवाब कौन दे। तो इंस्टा फॉलो कर लो, बस इन्फ्लुएंसर बनना है भैंचोद। 43 नहीं हो रहे यार, तुम फॉलो ही नहीं करते यार, जो फॉलो करते हैं वो अनफॉलो। ये छोटी लुल्ली वाली हरकतें बंद कर दो, मैं बता रहा हूँ बड़े लोग गैंग बन जाओ, फॉलो करो। बाकी अभी के लिए तो काफी है, मैं बोल दूँ तुमसे कल तब के लिए पीस आउट। गाली दूँ मैं, ऑफेंड होना है, सांस लूँ मैं, ऑफेंड होना है, ऑफेंड होने का यही ट्रेंड होना है, सच बोलूँ मैं, ऑफेंड होना। आज का क्या, मुस्कुराते रहा करो, क्योंकि तुम्हारी स्माइल तुम्हारा पास्ट तो नहीं बदलेगी बट तुम्हारा प्रेजेंट बहुत बदल सकती है। ट्रू स्टोरी ब्रो।